नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ श्रेया। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले देखिए अहम खबरों की हेडलाइंस। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सीनियर सिटीजन के लिए पब्लिक प्रोग्राम। दिल्ली और NCR से सैकड़ों वरिष्ठ नागरिक रहे उपस्थित। जयपुर में पत्रकारों का सम्मान समारोह। ब्रह्मा कुमारी सांगानेर सेवा केंद्र का आयोजन। SDM एकता काबरा रही मौजूद। और नवरात्रि पर्व पर ब्रह्मा कुमारी द्वारा अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन। आंतरिक शक्तियों के जागरण का आह्वान। जहां दवा काम नहीं करती, वहां दुआ काम करती है। और दुआओं के भंडार होते हैं हमारे बुजुर्ग। इन बुजुर्गों के दिल में सभी के लिए होता है निस्वार्थ प्यार, केयर और शुभकामनाएं। इन्हीं बुजुर्गों के लिए गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर दुआओं का दरिया विषय पर पब्लिक प्रोग्राम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों सीनियर सिटीजन को ORC के निदेशिका बीके आशा दीदी, सीनियर राजयोगा टीचर बीके लक्ष्मी दीदी ने संबोधित किया। जब स्वयं शरीर छोड़ेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना, तो दूसरा छोड़ेगा तब तो नहीं जाएंगे। हम छोड़ेंगे तभी स्वर्ग जाएंगे। खुद करेंगे तो पाएंगे, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। ये सब बातें हम अपने लिए कहते हैं। तो अब फैसला है कि सदा मैंने अच्छा करना है या मैं इसको दूसरों पे छोड़ दूं। मुझे ही करना। शांति के विचार, खुशी के विचार, आनंद के विचार, शक्तिशाली विचार, ये जब विचार हमारे अंदर आते हैं, मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो फिर क्या होता है, उसका इफेक्ट हमारे वही हाइपोथैलेमस में खुशी का विचार, फिर धीरे धीरे उसका हमारे प्यूटिटरी ग्लैंड और पूरे बॉडी ऑर्गन्स पर आना शुरू हो जाता है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में राजयोग शिक्षिका बीके ईशु दीदी ने लोगों को कर्तरु प्रोजेक्ट और प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा दिल्ली और NCR में चलाए गए अभियान की विस्तार से जानकारी दी। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के रिवालसर, मध्य प्रदेश के राजगढ़ और UP के हाथरस सेवा केंद्र पर भी सीनियर सिटीजन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्त शिव शक्तियों की आराधना बड़ी ही रीति रिवाजों से करते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था चैतन्य देवियों की झांकियां लगाकर नवरात्र के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करता है। साथ ही निराकार परमात्मा शिव से जुड़कर अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का संदेश देता है। इस बार भी ब्रह्मा कुमारी द्वारा अनेक स्थानों पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली खबर मुंबई के बोरीवली की, जहां नवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर साधना सरगम, प्रीता मजुमदार, प्रीति पिंकी, मेजर डॉक्टर अश्लेषा, अभिनेत्री रश्मि देसाई, श्रिया झा, टैरो कोच और हिप्नोथेरेपिस्ट रूप लखानी, स्पिरिचुअल सोल डॉक्टर रोशनी शहनाज शामिल हुए। कार्यक्रम में युवा प्रभाग की उपाध्यक्ष बीके चंद्रिका, बोरीवली पूर्व की प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, राजयोग शिक्षिका बीके संगीता और बीके श्रेया ने कई आध्यात्मिक विषयों पर प्रकाश डाला। 2 साल हम सब ने जो निकाले, उसके बावजूद आज हम सब यहाँ एक दूसरे के साथ बैठे हैं। शायद ये एक पावर है और यही ब्रह्म कुमारी और यही शिव पावर है। यही मुझे लगता है कि इससे बड़ा पावर कुछ हो ही नहीं सकता है। और वो शक्ति हमें जो यहाँ से मिलती है, उसे कभी जाने नहीं देनी चाहिए। मैं एक्ट्रेस हूँ तो हमारे ऊपर हमेशा ये बहुत प्रेशर होता है ना कि आपकी एक पहचान होनी चाहिए। मतलब आप जहाँ भी जाएं, आपको लोग या तो आपके किरदार के नाम से जाने या आपके नाम से जाने, और इस चीज़ में मेरी स्ट्रगल रहती है। पर आज मुझे माँ ने ना ये आंसर दिया कि मेरी पहचान मेरे किरदार से नहीं है,
मेरी पहचान मेरी श्रृंगार से नहीं है, कपड़ों से नहीं है, गाड़ियों से नहीं है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से नहीं है, मेरे गुणों से है। और यही चीज़ हम हर इंसान अपनी प्रोफेशन में इस चीज़ को लागू कर सकता है। बट क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे ये माँ ने मुझे आज आंसर दिया है। हे रंग लो जमु कालंदरी ने घाटो गाड़ा तारा और छबीला तारा और रंगीला तारा रंग फेरू जुए तारी वाट रंग लो हे रंग लो जम कालंदरी ने घाटो गाड़ा तारा और छबीला तारा और रंगीला तारा रंग फेरू जुए तारी वाट रंग लो। आप जैसा बीज डालेंगे संकल्प का वैसा ही होता है, ये पक्का समझ लो। आपके साथ जो कुछ हो रहा है, चाहे आज चाहे पहले के जन्मों में, आपने सोचा हुआ ही आपके साथ हो रहा है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। ऐसे झारखंड के रांची में हरमो रोड सेवा केंद्र द्वारा 5 योगों का चैतन्य दर्शन विषय पर 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर आशा लाकरा, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष गोवर्धन गरोड़िया, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष नंद किशोर पटोरिया, कला संस्कृति और खेल विभाग के डायरेक्टर संजय सिंह, व्यवसायी सुबोध मिश्रा समेत कई अधिवक्ता और समाज सेवी शामिल हुए और सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला दीदी की उपस्थिति में कार्यक्रम का आगाज किया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में आयोजित दुर्गा महोत्सव आयोजन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 5 दिवसीय चैतन्य देवियों की झांकी का पंडाल लगाया गया, जिसका पूर्व बर्धमान के जिला न्यायाधीश प्रियंका सिंगला, डिस्ट्रिक्ट जज सोवन कुमारी मुखोपाध्याय, उप न्यायाधीश लोकनाथ सरकार, विधायक मधुसूदन भट्टाचार्य, खोकन दास समेत शहर की कई जानी मानी हस्तियां दर्शन करने पहुंची। पंडाल में राजयोग आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी और अनोखा नशा मुक्तिदान पात्र भी लगाया गया, जिसमें कई लोगों ने व्यसन पदार्थों का दान दिया। यह चैतन्य झांकी बर्धमान सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूमा दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित रही। ऐसे जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा बिलहरी, विजयनगर और जय भीम नगर में चैतन्य झांकियों का आयोजन हुआ, जिसमें कि बिलहरी में नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, विजयनगर में विधायक विनय सक्सेना और आर्मी विमेन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मीता दास, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट कमल अरोड़ा शामिल हुए और सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला दीदी की उपस्थिति में झांकी का शुभारम्भ किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सजीव भव्य और आकर्षक चैतन्य झांकी के दर्शन के लिए भाजपा वरिष्ठ नेता अनिल सिंह मेजर, शिक्षा विभाग संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारत सिंह सिसोदिया, जिला भाजपा अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह समेत शहर की कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। सरगुजा संभाग की प्रभारी बीके विद्या दीदी ने इस दौरान सभी को चैतन्य देवियों का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए उनके समान शक्ति स्वरूपा बनने का संदेश दिया। अंबिकापुर के अलावा सकती जिले में स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा सजाई गई चैतन्य देवियों की झांकी का उद्घाटन सांसद ज्योत्सना महंत और उनके सुपुत्र युवा नेता सूरज महंत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रश्मि गबेल और सेवा केंद्र प्रभारी बीके तुलसी ने दीप जलाकर किया।
ऐसे ही नवी मुंबई के वाशी में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा श्री मुकाम्बिका मंदिर में चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई, जिसका उद्घाटन मंदिर की ट्रस्टी अन्नी शेट्टी, सुरेश कोटियान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला दीदी समेत कई बीके बहनों ने किया। इसी क्रम में देखिए तस्वीरें कर्नाटक के हॉस्पेट, पश्चिम बंगाल के बैरमपुर और काकद्वीप, मध्य प्रदेश के खरगोन और रीवा, महाराष्ट्र के पंधारकावाड़ा, पुणे के रविवार पेट और राजस्थान में जयपुर के श्रीनिवास नगर और सोजत सिटी की, जहाँ चैतन्य झांकियों का उद्घाटन करने शहर के सम्मानित लोग पहुंचे। ममता मई तू, समता मई तू, करुणा मई माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। ममता मई तू, समता मई तू, करुणा मई माँ जगदम्बे, जगदम्बे। भक्ति मई तू, शक्ति मई तू, तू वरदानी माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। पत्रकारों के सम्मान में जयपुर के सांगानेर सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर सबजोन प्रभारी बीके पूनम दीदी ने मीडिया कर्मियों को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनने का संदेश दिया। इस सम्मान समारोह में एसडीएम एकता काबरा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रही और मीडिया कर्मियों से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुँचाने का आग्रह किया। इसके अलावा सांगानेर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूजा ने संस्था का संक्षिप्त रूप में परिचय देते हुए उसकी गतिविधियों की जानकारी भी दी। संस्था के मुख्यालय में सितंबर मास में आयोजित हुए ग्राम विकास सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर गए भुवनेश्वर वासियों के लिए यूनिट 8 सेवा केंद्र पर इस नए मिलन का आयोजन हुआ, जिसमें कई लोगों ने मधुबन के आध्यात्मिक वातावरण में योग के अपने सुंदर अनुभव सुनाए तो वहीं कुछ लोगों ने बीके सदस्यों द्वारा की जा रही अथक सेवाओं के कसीदे गढ़े। यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी की उपस्थिति में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सभी ने केक काटकर सेलिब्रेट भी किया। संस्था के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान के यूपी पहुंचने पर मऊ के बिंदेश्वरी पीजी कॉलेज और नौतनवा के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज, नौतनवा इंटर कॉलेज, राजीव गांधी कॉलेज और डीबीएस एकेडमी में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का जीवन में महत्व विषय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना, नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, इसे मुक्त बनना। इसी क्रम में नौतनवा सेवा केंद्र पर तनाव मुक्ति विषय पर आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम दिनेश कुमार मिश्र भी शामिल हुए, जिनका सेवा केंद्र प्रभारी बीके विष्णु ने स्वागत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की।